सर गोवा में अब आए हैं, गोवा के इलेक्शन हो चुके हैं, आज प्रमोद सावंत ने फाइल किया है नॉमिनेशन अपना, क्या करेंगे? देखिए प्रमोद सावंत ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ किया है। उनकी प्रतिमा बहुत साफ सुथरी है, एवर स्माइलिंग है, लोगों का स्वागत करते हैं, तो निश्चित रूप से वो तो बड़े वोट से जीतेंगे लेकिन बीजेपी भी जीतेगी। विशेष रूप से मोदी जी ने जो विशेष ध्यान गोवा के ऊपर दिया है, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मदद केंद्र सरकार ने की है, लोग ये रियलाइज करते हैं और लोग हमको चुन कर देंगे। जिस तरह से उत्पल परिकर हो या फिर लक्ष्मीकांत परसेक हो, इन्होंने इस्तीफा दिया है और इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि इसका हमको दुख है, ये पार्टी है, ये अपना परिवार है, परिवार में जो निर्णय होते हैं उसको स्वीकारा जाना चाहिए, पर जब कोई परिवार का निर्णय न स्वीकारते हुए अलग जाने का फैसला करता है तो दुख होता है। शिवसेना ने स्टैंड लिया था कि उत्पल परिकर अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, हमारा कैंडिडेट पीछे लेंगे, तो अब तक तो पीछे नहीं लिया है। पहली बात तो ये कि शिवसेना का वजूद क्या है, गोवा में इतने सालों से शिवसेना चुनाव लड़ रही है, कभी उनका डिपॉजिट भी बचता नहीं है, तो उनका सपोर्ट देना और न देना इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? संजय राउत इन्होंने कहा है कि सच्चा इतना जानने के लिए मैं शिविर लूंगा और उसमें शिवसेना पहले की भाजपा पहले। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि संजय राउत सुबह एक बात करते हैं, शाम को एक बात करते हैं, पहले एक बात पे तो कायम हो, उसके बाद ये बात वो करेंगे। और शिवसेना का इतिहास वो लोग बताएंगे जो पहले दिन से शिवसेना के साथ है, जिन्होंने शिवसेना में एक्टिव काम किया है। ये तो पत्रकार है, अभी अभी शिवसेना में नेता बना।